हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि बीए आखिर होता क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन जानने वाले कि क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, फीस कितनी होती है, उसके बाद जो है बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब कौन कौन से ऑप्शन आपके पास होते हैं बीए के बाद, और सैलरी कितनी मिलती है बीए के बाद, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आसान हिंदी में आपके लिए लाता रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या कि बीए होता क्या है। देखिए, बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पे जो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि लिटरेचर होता है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस होता है, तो यहाँ पे जो आप ये पढ़ते हैं। इसके बाद जो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, मतलब आप जो है किसी एक में भी आप, अगर आपको बीए करना, मतलब पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो आप वहाँ पे भी जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपके पास बहुत सारी स्किल डेवलप होती है, जैसे कि राइटिंग की स्किल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, एनालिसिस, तो ये स्किल आपके पास आ जाती है अगर आप बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और इसका जो ड्यूरेशन होता है बीए का, तो 3 से 4। देखिए, मैं यहाँ पे 3 से 4 क्यों कह रहा हूँ कि पहले क्या था कि 3 साल का ही था बीए, जो बीएड की डिग्री थी 3 साल की थी, बट अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वहाँ पे जो है 4 साल भी कर सकते हो, मतलब 3 साल करोगे तो भी आपको डिग्री मिल जाएगी, बट अगर आप 4 साल करते हो तो वहाँ पे जो आपको स्पेशलाइजेशन है, ऑनर्स की डिग्री जो बोलते हैं हम, तो वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आपको 3 साल करना है तो 3 साल के बाद जो आपको डिग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बट जो नई पॉलिसी आई है तो उसमें आप 4 साल भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, जो भी अपने इंडिया में जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, तो वहाँ से अगर आप पास है तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो भी बीए को एडमिशन मिल जाता है। और जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, मतलब वो 40 से 60 है, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो है 40 से 60% जो मार्क होने चाहिए 12th में। उसके बाद एज लिमिट ऐसे तो कोई नहीं है, बट कोई कोई जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे होता है क्राइटेरिया, तो आप एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना, बट ज्यादातर जगह पे जो है कोई एज लिमिट नहीं होती बीए के लिए। उसके बाद अगर हम फीस एंड फाइनेंशियल एड ऑप्शन के देखेंगे, तो देखिए जो ट्यूशन फी होती है लगभग 5,000 से लेके 30,000 तक पर ईयर के लिए होती है। ये यूनिवर्सिटी वाइज चेंज भी होती है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में 5,000 है तो कुछ यूनिवर्सिटी में 30,000 से भी ज्यादा है, तो ये यूनिवर्सिटी वाइज चेंज होती रहती है। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, मतलब आपको जो है कोई जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप होती है वो भी मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ में जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी दी जाती है, मतलब जिससे ज्यादा परसेंटेज है तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। और लोन्स की बात करें तो जो है आपको जो है लोन्स भी मिल जाएगा, अगर आप जो कॉलेज होती है वहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, तो वहाँ पे अगर आप उन्हें बताएंगे कि हमें लोन भी चाहिए एजुकेशन पे, तो वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे लोन भी। उसके बाद आता है कि करियर स्कोप आफ्टर बीए, तो देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि इसके बाद, बीए के बाद आपको कौन कौन से जॉब्स मिलेंगे या कौन कौन सी करियर ऑप्शन आपके हाथ में रहेंगे, तो इसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मतलब जो कम्युनिकेशन होते हैं, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन होता है, एडवर्टाइजिंग, सोशल वर्क, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। पर जो सबसे बड़ा पॉइंट बीए करने का, तो बहुत सारे बच्चों को क्या है कि जो सिविल सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे जाना होता है, तो वो बीए करते हैं। मतलब अगर आप बीए करते हो तो आपको जो यूपीएससी, एमपीएससी जैसी जो एग्जाम होती है, वो आपको वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास बीए की डिग्री है तो आप यूपीएससी दे सकते हो, तो बहुत सारे बच्चे उसके लिए ही बीए करते हैं। उसके बाद देखिए फर्दर एजुकेशन, अगर जो है आपको आगे चल के कुछ पीएचडी करना है, तो आप जो है फिलोसॉफी करनी है, तो वहाँ पे जो आप बीए ले सकते हो। बीए के बाद आप मास्टर इन आर्ट्स, मतलब एमए कर सकते हो, या उसके बाद जो है पीएचडी भी कर सकते हो, और नहीं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, मतलब आप जो सोशल वर्क कर सकते हो, या आपकी कुछ राइटिंग होती है तो कंटेंट राइटरिंग कर सकते हो दूसरों के लिए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। उसके बाद जो एवरेज सैलरी होती है, तो बीए ग्रेजुएट की, तो देखिए जो सैलरी रेंज होती है, तो वो लगभग 2,30,000 से लेके 3,80,000 तक आपको पैकेज पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा वहाँ पे। फिर अलग अलग जो पोस्ट होती है, जैसे कंटेंट राइटर होती है, न्यूज एंकर होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है मान के चलिए 2 लाख से लेके 4 लाख तक का पैकेज आपको आसानी से मिल जाता है बीए के बाद।
और अगर वहाँ पे नहीं तो आप जो हायर पेइंग जॉब्स के लिए भी जा सकते हो, सोशल वर्कर होते वहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और उसके बाद भी जो है आपके पास बहुत सारे जॉब रहते हैं, जैसे मीडिया में, पब्लिक सर्विस, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और भी बहुत सारे, तो ये भी आप कर सकते हो।